YouTube के इस चैनल में हम सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करते हैं। सातवीं बार बदलेगा शिक्षकों के नियोजन का कानून। राज्य के नियोजन इकाइयों में शिक्षकों की बहाली का कानून सातवीं बार बदलेगा। शिक्षकों की बहाली का अधिकार नियोजन इकाइयों को सौंपे जाने के पहले भी अध्यापकों की नियुक्ति के कानून बदलते रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षकों की बात करें तो प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति जिला स्तर पर वर्षवार बनने वाले प्रशिक्षित शिक्षक अभ्यर्थियों के पैनल से होती थी। 1990 में जब जनता दल की सरकार बनी और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने तो शिक्षकों की बहाली में प्रशिक्षण की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर कानून की व्यवस्था लागू हुई। हालांकि पंचायतों के माध्यम से तकरीबन 80,000 शिक्षा मित्र भी नियुक्त हुए जिन्हें प्रतिमाह 1,500 रुपये मिलते थे, वह भी साल में 11 माह ही। इससे माध्यमिक एवं प्लस टू शिक्षकों की नियुक्ति विद्यालय सेवा बोर्ड के माध्यम से हुआ करती थी। प्रारंभिक से लेकर प्लस टू स्कूलों तक में शिक्षकों की नियुक्ति की व्यवस्था वर्ष 2005 में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने के बाद समाप्त हो गई। वर्ष 2006 में प्रारंभिक से लेकर प्लस टू तक के शिक्षकों की नियुक्ति के अधिकार नियोजन इकाइयों को दिए गए। इसके लिए वर्ष 2006 में नियमावली बनी। इसके तहत 8,500 नियोजन इकाइयों में नियत वेतन पर शिक्षकों सातवें चरण में होगी 1,86,000 शिक्षकों की बहाली। राज्य में सातवें चरण में तकरीबन 1,86,000 स्कूली शिक्षक बहाल होंगे। सातवें चरण में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक में शिक्षकों की बहाली होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षकों की बहाली की शिक्षा विभाग की तैयारी की गुरुवार को समीक्षा करने वाले हैं। समीक्षा बैठक के एजेंडे में शिक्षक नियुक्ति सबसे ऊपर है। इसके साथ ही विभिन्न लाभुक योजनाओं के तहत छात्र छात्राओं को दी जाने वाली राशि की स्थिति की भी समीक्षा होगी। यह समीक्षा बैठक के एजेंडे में दूसरे नंबर पर है। एजेंडे के दो बिंदु और भी हैं। मुख्यमंत्री द्वारा ली जाने वाली समीक्षा बैठक को लेकर शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। छठवें चरण में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के शिक्षकों के कितने पद थे और उसके विरुद्ध अब तक कितने बहाल हुए हैं से संबंधित आंकड़े प्रेजेंटेशन के जरिए रखे जाएंगे। छठवें चरण की रिक्तियां सातवें चरण में शामिल होंगी। सातवें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर प्रस्तावित नियमावली का ड्राफ्ट तैयार है। ड्राफ्ट की विधि शा हो चुकी है। इस पर वित्त विभाग की मोहर भी लग चुकी है। इसे समीक्षा बैठक में रखा जाएगा। सहमति बनने के बाद इस पर कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। धन्यवाद।